बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं, किस तरह से उनके ट्रेंड को देखते हैं। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको भी आपने देखना है। और इनमें से यूजली बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इनको गो थ्रू दोबारा से करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है या पीरियोडिक टेबल में उनकी वेरिएशन किस तरह से हम उनको ग्रुप या पीरियड के अंदर वेरीफाई करते हैं। तो पहली जो चीज़ हम देखेंगे वो है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। चूँकि हम एटम का साइज़ हमेशा उसके रेडियस के अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं, एटम को हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के साथ भी देखना जो है वो इम्पॉसिबल है। उसको हम किस तरह से देखते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, लेकिन इसी तरह से हम उसका साइज़ भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि दो एटम्स के सेंटर यानी एक का न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है, तो फिर उस चीज़ को हाफ कर लिया जाता है, ये उसका रेडियस कंसीडर किया जाता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रेडियस है वो टॉप से बॉटम तक एक ग्रुप के अंदर हमेशा इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो एक्स्ट्रा शेल ऐड होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से एक पीरियड के अंदर जो इजाफा देखने में आता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट में एक पीरियड के अंदर जाएं, ग्रुप के अंदर तो इजाफा है, लेकिन अगर आप पीरियड में जाएं, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो सेम शेल है वही फिलिंग के प्रोसेस में आता है, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं और वो ज़्यादा करीब होते हैं। पुल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का आखिर पे ज़्यादा होता है, इस वजह से साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता है। ये जो इफ़ेक्ट है यानी डिक्रीज़ होने का, जो लॉन्गर पीरियड्स हैं जिनके अंदर डी एंड एफ सब शेल के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिन उस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उनके अंदर ये ग्रेजुअल डिक्रीज़ ज़्यादा है। और इसको हम लैंथेनाइड के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसीलिए उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह से जब हम एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो वो आयंस बनाते हैं, तो आयनिक रेडियस का किस तरह से ट्रेंड है। आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल एटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करता है कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो याद रखें पॉजिटिव आयन जो है उसका साइज़ अपने रिस्पेक्टिव आयन की निस्बत कम होता है। इसकी रीज़न ये है कि अब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होता है। जब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब होता है, प्रोटॉन की अमाउंट बढ़ जाती है, पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, पुल बढ़ जाता है, साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। आप देखें तो पहला जो आपके पास ये पीरियड है, पहला जो हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम आता है, उसी को अगर आप देखें तो उसके आयंस की बात करें तो न्यूट्रल एटम का साइज़ बड़ा है, और जबकि आयंस जो हैं वो ग्राफ में नीचे वाली लाइन पे शो हो रहे हैं, इसका मतलब है उनका साइज़ छोटा है। तो जैसे सोडियम है उसका 186 पिकोमीटर में है, सोडियम एटम का साइज़ है, और सोडियम जो आयन है उसका साइज़ 102 पिकोमीटर में आ जाता है। जबकि जो हमारे पास नेगेटिव आयन बनता है, तो नेगेटिव आयन कब बनता है, नेगेटिव आयन याद रखें जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद अगेन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब होता है, जब इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का रेशियो डिस्टर्ब होने होता है उसके नतीजे में अब क्या होता है, अब रिपल्शन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन बढ़ती है, उसके नतीजे में ये दूर जाते हैं एक दूसरे से और साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सो नेगेटिव आयन में ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है कि कैटायंस का साइज़ कम होता है उनके न्यूट्रल एटम से, जबकि एनायन का साइज़ उनके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा होता है, तो उसको एक्सप्लेन करें। इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास हैलोजन्स की है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अगर आप देखें तो न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो ग्राफ में नीचे हैं, जबकि जो उनके रिस्पेक्टिव नेगेटिव चार्ज्ड वाले आयंस हैं वो ग्राफ में ऊपर हैं, यानी उनका साइज़ बढ़ जाता है। इसी को अगर आप देख लेते हैं हम फ्लोरीन के एग्जांपल में, तो फ्लोरीन जो है उसका नॉर्मल एटम का साइज़ होता है 72 पिकोमीटर्स, जबकि जो फ्लोराइड आयन है उनका साइज़ बन जाता है 133 पिकोमीटर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का है। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ
एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को गैशियस एटम में से, आइसोलेटेड गैशियस एटम में से रिमूव करवाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी. फॉर एग्जांपल सोडियम जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जाउल पर मोल. ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रोसेस है एक्चुअली ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उसी लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. लाइक अगर मैग्नीशियम को देखें तो उसका पहली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 738 किलो जाउल पर मोल है, जबकि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 1145 किलो जाउल पर मोल है. ये भी याद रखें कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत. की रीज़न ये है कि फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अब साइज छोटा हो जाता है, जो न्यूक्लियस है उसका पुल ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से हमारे पास ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है. इसका ग्रुप में क्या वेरिएशन है और पीरियड के अंदर क्या वेरिएशन है, तो ग्रुप के अंदर एक फैक्टर उसमें इफ़ेक्ट करता है. जो ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की जो है वो डिपेंड करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे, साइज ऑफ एटम पे और शील्डिंग इफेक्ट पे. शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या है? शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली वो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो अट्रैक्शन आ रही है उसके दरमियान जो दरमियान में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो दरमियान वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन जो कॉज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट. ये इफेक्ट इंक्रीज करता है जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं. जब एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं तो उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते हैं. जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन एटम का साइज़ भी बढ़ता है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है न्यूक्लियस से. इसीलिए जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज़ करती है. अगर आप लिथियम से लेकर सीजियम तक देखें तो देखें इसी जो ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम तक हमारे पास जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है. मेटल्स, अल्कली मेटल्स के अंदर आराम से शो हो जाता है, आराम से उनके इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं. पीरियड के अंदर क्या होता है कि पीरियड के अंदर जितने स्मॉलर एटम हैं उतना ही उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, उतने उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, इसीलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है. अगर आप देखें इस ग्राफ को जो ज़िगज़ैग फॉर्म में है तो इसमें नोबल गैसेस जो हैं वो टॉप पे हैं. इसका मतलब है नोबल गैसेस जो हैं उनके ऑक्टेट पूरे हैं, उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है और इसी वजह से उनको लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हायर एनर्जी चाहिए. जिस तरह से हम पहला पीरियड अगर देखें हाइड्रोजन से हीलियम को देख लें और उसके बाद हम वापस लिथियम से चले जाएं, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. क्योंकि बेशक दरमियान में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं लेकिन सेम शेल के अंदर इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट उसमें नहीं रहता, इसी वजह से हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का टॉपिक है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स है. जिस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी गैशियस न्यूट्रल एटम के अंदर नेगेटिव आयन बनाने के लिए. ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन की एडिशन है, जैसे फ्लोरीन है उसके अंदर -328 किलो जाउल पर मोल एनर्जी को हम शो करवाते हैं. ये माइनस का साइन या नेगेटिव का साइन ये शो करवा रहा है कि ये एनर्जी रिमूव हो रही है या रिलीज हो रही है. एनर्जी जो रिलीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हम नेगेटिव फिगर्स में शो करवाते हैं, जबकि सेकेंड जो है वो यूनि नेगेटिव आयंस के अंदर, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ जाती है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी बाज केसेस में होने लग जाती है. जैसे ऑक्सीजन जो है उसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो -141 है, लेकिन अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो पॉजिटिव में आ जाती है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन. एब्जॉर्ब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसको वो पॉजिटिव फिगर में शो हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिपेंड करती है साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और वैकेंसीज पे. जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात कर लें तो ये भी यूजली टॉप से बॉटम में जो इसका ट्रेंड है वो हमारे पास आ जाता है डिक्रीजिंग ट्रेंड, जबकि लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप चले जाएँ तो ये ट्रेंड जो है ये पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ट्रेंड है. यानी आयनाइजेशन एनर्जी और
दोनों की अगर हम नॉलेज को कंबाइन कर लें तो हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन और कौन से इलेक्ट्रॉन यूजुअली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगला जो हमारा ट्रेंड है वो मेटैलिक और नॉन मेटैलिक करेक्टर का ट्रेंड है। मेटैलिक करेक्टर किस तरह से आते हैं, यूजुअली आप याद रखें कि मेटल्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर वो उनको कंसिडर किया जाता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर लें, जो पॉजिटिव आयंस को बना लें उनको हम मेटल कंसिडर करते हैं। अच्छे मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं। उसकी वजह ये है कि मेटल के ऑक्साइड को जब हम पानी में एब्जॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते को कंबाइन करते हैं पानी में से, जबकि जो मेटल्स हैं वो प्रोटॉन्स को, नॉन मेटल्स जो हैं वो प्रोटॉन्स को करते हैं। जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। नॉन मेटैलिक करेक्टर जो है वो याद रखें ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए डिक्रीज होता है, जबकि मेटैलिक करेक्टर जो है वो ग्रुप में इंक्रीज होता है। और लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए नॉन मेटैलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि मेटैलिक करेक्टर पीरियड के अंदर हमेशा डिक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर हमेशा इंक्रीज होता है।